बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज मोहम्मद खालिद फ्रॉम द डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रहीम यार खान। टुडे इज 28 मई 2020। टुडेज आवर टॉपिक इज डायरेक्ट इन डायरेक्ट। डायरेक्ट इन डायरेक्ट जो है, इसमें नरेशन जो है इसमें होता है कि एक शख्स की गुफ्तगू को जब किसी दूसरे शख्स के सामने बयान किया जाता है तो उसको दो तरीक़ों से बयान किया जाता है। एक तो उसी शख्स के अल्फाज हूबहू दूसरे के सामने बयान कर दिए जाएं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट किया जाता है। और अगर उसमें कुछ चेंज की जाए कुछ वर्ड्स की और उसका मफहूम भी ना बदले तो उसे हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये आप पिछले लेक्चर्स में डिटेल से समझ भी चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ तब्दीलियां की जाती हैं, और वो है सबसे पहले टेंस की तब्दीली होती है। तो ये अगर तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच में, और अगर पास्ट में हो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब तो फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस जो है प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज कर दिया जाता है, और अगर पहले से पास्ट में है तो फिर हम उसको हैड लगा के थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह जो है कुछ प्रोनाउंस की तब्दीलियां की जाती हैं। हमारे पास प्रोनाउंस की चेंजेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन्स हों तो हमने जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है, और अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन्स हों तो उनको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना होता है। और अगर उसमें जो है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन्स हों तो फिर हम उसे चेंज नहीं करते। और इसी तरह कुछ सर्टन वर्ड्स की चेंजिंग है जो कि टेबल आगे आपको दिया भी जाएगा कि उसमें भी हम तब्दील करते हैं। ये हमारे पास अब नेक्स्ट टेबल जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेबल ऑफ प्रोनाउंस है। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन्स जो हैं उनकी जो लिस्ट है हमारे पास आई माई और मी वी आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन्स कहलाते हैं, और इनमें जो आई और वी जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और माई और ओवर आवर जो है ये पोजेसिव फॉर्म है, मी और अस जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इस फर्स्ट पर्सन्स में। सेकंड पर्सन यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, योर या योर्स जो होते हैं ये पोजेसिव फॉर्म होती हैं, और यू जो है दोबारा से ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ये सेकंड पर्सन्स कहलाती हैं। थर्ड पर्सन्स जो हैं हमारे पास ही शी दे और इट, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ही की जो पोजेसिव फॉर्म है हिज है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। इसी तरह शी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी जो पोजेसिव फॉर्म है वो हर है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर होती है। दे जो है थर्ड पर्सन इसकी जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी पोजेसिव फॉर्म देयर होती है, और इसमें जो देम है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इट इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है और इस थर्ड पर्सन में, और इट्स इसकी पोजेसिव फॉर्म है और दोबारा से इट जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये टेबल आपने लाजमी लर्न करना है क्योंकि इसके बगैर जो है हम प्रोनाउंस को चेंज नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे पास ये एक सेंटेंस लिखा है, ही सेज टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है, और आई लाइक मैंगोज ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच में टू पार्ट्स होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास से बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है पार्ट। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होते हैं इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है पार्ट उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट होती हैं उसमें हम जो है कॉमास नहीं यूज़ करते।
अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास है ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखी गई है। और इसकी जो हमने इनडायरेक्ट स्पीच है ही सेज, अब कॉमास ख़त्म करके यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस में दैट यूज़ किया जाता है, ही इज़ अ गुड बॉय, आगे जो है सेंटेंस पूरा वैसे, क्योंकि इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं है हमारे पास। क्योंकि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में हो, जैसे ये सेज है प्रेजेंट को शो करता है, या फ्यूचर में हो जैसे ही विल से, तो फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमास के अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, जिस टेंस में पहले बात की गई हो बाद में भी वही टेंस रहता है इनडायरेक्ट में। और अगर जो है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो इसमें भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या स्टोरी का कोई मॉरल दिया गया हो, तब भी टेंस जो है चेंज नहीं किया जाता। तो ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेज दैट ही इज़ अ गुड बॉय। ही विल से फ्यूचर में है, अहमद कैन गो, ही विल से दैट अहमद कैन गो, इनडायरेक्ट स्पीच में जस्ट हम कॉमास को ख़त्म करेंगे और उसकी जगह पे दैट यूज़ करेंगे। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, पर इसमें भी चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम कॉमास की जगह दैट सिर्फ यूज़ करेंगे, बाकी बिल्कुल सारा का सारा वैसे आ जाएगा। ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। अब फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं हमने, अब इसमें कुछ प्रोनाउंस की चेंजिंग जो है आपको दिखाएंगे, और सामने जो है पर्सनल प्रोनाउन का टेबल भी मैंने साथ लिख दिया है इस साइड पे, तो ये भी है। फर्स्ट पर्सन्स जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन जो हैं ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन जो हैं वो नो चेंज, इनमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती, ये वैसे के वैसे ही सारे रहते हैं। आइए अब एग्जांपल के साथ हम आपको समझाते हैं। ही सेज द आई टेक टी, तो अब देखें इसमें जो है मैंने बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास के बाहर अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो आगे जो है इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस जो है वो वही रहेगा, सिर्फ कॉमास की जगह पे हम दैट यूज़ करेंगे और पर्सनल प्रोनाउंस जो है उनकी चेंजिंग करेंगे। इसमें पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो आई आया है, तो आई सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट इसमें जो है ही है, तो आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ही में। ही सेज दैट ही टेक्स टी, अब इसी तरह सेकंड जो है शी सेज आई बॉयल एग्स, तो अब इसमें जो है शी सेज कॉमर्स की जगह पे दैट आ जाएगा, शी सेज दैट, अब आई जो है फिर सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास जो है वो शी है, तो अब जो है आई शी बन जाएगा, शी बॉयल्स एग्स, यहाँ पे बॉयल्स आएगा, बॉयल्स एग्स। उसके बाद दे से वी प्ले क्रिकेट, तो अब इसमें भी जो है सिंपल प्रेजेंट है, तो दे से दैट, और अब वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ने दे के लिहाज से चेंज होना है, तो हमारे पास आ जाएगा दे से दैट दे प्ले क्रिकेट, आज इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। अली सेज आई राइट अ लेटर, तो अली सेज, अगर तो ये से टू मी वगैरह आएगा तो फिर हम सेज को भी टेल्स में चेंज करेंगे, अदरवाइज से अकेला है या सेज है तो वही रहेगा। अली सेज दैट, अब आई जो है फिर अली में चेंज होगा, अली को हम ही कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे बन जाएगा ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि अली जो है वो प्रोनाउन नहीं है, अली जो है नाउन है, इसलिए हम उसको यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करेंगे, अली की जगह ही सेज माई फादर इज़ अ क्लर्क, माई जो है ये भी फर्स्ट पर्सन्स में से है, तो ये भी हमारे पास ही के लिहाज से माई सेकेंड नंबर पे होता है पर्सनल प्रोनाउन पे यानी पोजेसिव फॉर्म पे, तो इसकी जो ही की पोजेसिव फॉर्म है वो हिज होती है, तो माई की जगह हिज आ जाएगा। ही सेज दैट हिज फादर इज अ क्लर्क, शी सेज माई सन इज अ स्टूडेंट, तो अब माई जो है हमारे पास ये भी फर्स्ट पर्सन है, माई शी के लिहाज से चेंज होगा, तो शी की सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास पोजेसिव फॉर्म है वो हर होती है, तो यहाँ पे माई जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। शी सेज दैट हर सन इज अ स्टूडेंट, नेक्स्ट है दे से आवर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो दे से दैट
अब अवर जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, दे के लिहाज से चेंज करेंगे इसको। दे की जो पोजेसिव फॉर्म है वो है देयर, देयर टीम इज वेरी स्ट्रांग। आई से टू हिम, आप देखिए से टू आ चुका है, इसको हम टेल में अब चेंज करेंगे। अगर अकेला से हो तो से ही रखना है, लेकिन अगर से टू हो जाएगा तो फिर आप इसको टेल में चेंज करेंगे। आई से टू हिम यू आर एट फॉल्ट, आई टेल हिम दैट। अब यू जो है देखें सेकेंड जो है हमारे पास पर्सन होता है, तो यू जो है इसमें इसने चेंज होना है ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हिम है और हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म लेकर आएंगे वो ही होती है, तो यू जो है वो चेंज हो जाएगा ही में। आई टेल हिम दैट ही इज एट फॉल्ट, ही है ही सेज टू मी यू आर प्लेइंग वेल, ही टेल्स मी दैट, कॉमास की जगह पे दैट आ जाएगा। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट मी में चेंज होगा और मी की जो हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई होती है, तो यू की जगह पे आ जाएगा आई। आई के साथ फिर इस एम आर में से एम आना है, तो इसलिए आई एम प्लेइंग वेल। उसके बाद है ही सेज टू मी ही इज़ अ गुड बॉय, ही टेल्स मी दैट। अब ही चूँकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है और मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज, इसमें चेंजिंग नहीं करनी, वो थर्ड पर्सन वैसे ही आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज़ अ गुड बॉय। उसके बाद है आई से टू हिम शी इज एन ऑनेस्ट लेडी, आई टेल हिम दैट शी, फिर थर्ड पर्सन है, शी भी चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, शी इज एन ऑनेस्ट लेडी। तो इसमें जस्ट जो है सेस टू को टेल में चेंज करेंगे और कॉमास की जगह पे दैट यूज करेंगे। वी शेल से टू यू, अब ये वाला जो है सेंटेंस है हमारे पास ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर में भी टेंस चेंज नहीं किया जाता, तो इसमें आ जाएगा वी शेल टेल यू। अब उसके बाद देखें दे प्ले डेली, तो दे जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन फिर चेंज नहीं होगा, तो ये वैसे ही रहेगा दे प्ले डेली। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारे पास यू विल से टू मी ही विल गेट फर्स्ट पोजिशन, तो यू विल टेल मी दैट, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा, ही विल गेट फर्स्ट पोजिशन। ये थी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। तो बेटा आज आपकी जो डायरी है वो आपने ग्रामर बुक का पेज नंबर 270 जो है उसको आपने नोटबुक्स के ऊपर राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।